SS 610 ग्रीन और कैमल कलर का। इसकी MRP है 1,049 रुपए। सबसे पहले जूते का आप लुक देखिए, ये साइड लुक, फ्रंट लुक, ये बैक सोल। तो लुक वाइज ये अभी तक जितने भी आर्टिकल थे उनसे बेस्ट है। तो सोल वाइज ये थोड़ा सा 19 है, क्योंकि इसमें 100% आपका टीपीआर नहीं दिया गया है। ईवा के अंदर ये जो हरा कलर का पार्ट, ऑलिव कलर का पार्ट दिख रहा है, सिर्फ इसमें टीपीआर का यूज किया गया है। तो ग्रिपिंग थोड़ा सा आपका इसमें कम मिलेगा, लेकिन इसका लुक और जो इनर कंफर्ट है वो काफी अच्छा दिया गया है। साथ में इसमें इसके अपर जो सिंथेटिक का यूज किया गया है वो काफी टेक्सचर मटेरियल है, जिससे आपका ये देखिए आवाज आ रहा होगा आपको, तो एक सिंथेटिक मिक्स करके अपर को बनाया गया है, जो कि लुक वाइज काफी आपको अच्छा दिखेगा। स्पार्क्स का लोगो यहां पे लिख दिया गया है, इसके सोल में भी स्पार्क्स का लोगो दिया गया है। ये देखिए यहां पे एक्स लिखा है, वो भी स्पार्क्स का लोगो है। इसके वेलक्रो, ये तीन वेलक्रो लगाए गए हैं, सबसे पहले आगे के लिए, फिर बैक के लिए, और एक पीछे जहां पे आपका एड़ी वगैरह रहेगा वहां पे, और सबके अंदर देखिए आपका एक्स रहेगा। सबसे बड़ा रीजन होता है जो ओरिजिनल जूते या स्पार्क्स के जो ये प्रोडक्ट होंगे, ये यहां से चेक करके आपको हमेशा पता चल जाएगा कि ये आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट है या नहीं। इसका वेट करके देखते हैं, वेट सबसे कम है 248 ग्राम वेट के मामले में, क्योंकि वेट इसमें, अब देखिए बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं कि जो लाइट वेटेड फुटवेयर है वो अच्छे होते हैं, लेकिन यहीं पर आप देखिए इसका वेट 262 ग्राम और इसका 248 ग्राम। क्यों है? क्योंकि इसके जो सोल की क्वालिटी है, इसमें पूरा फाइलोन का यानी पूरा जो सोल लगाया गया वो टीपीआर यूज किया गया, जिसके वजह से इसका वेट थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन यहीं पे थोड़ा सा कटौती कर लिया गया जिससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बच गई होगी। ये रीजन है कोई भी फुटवेयर का हल्का वेट होने का, और इसका लाइट वेटेड होने से ये नहीं कि उसकी क्वालिटी आपकी इंप्रूव हो। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं, जो कि दूसरे नंबर पे है। SS 596 949 रुपए का है, 7 नंबर का है। ये देखिए लुक वाइज बहुत ही अच्छा है। सबसे अच्छा बात, इसका भी सोल प्योर टीपीआर पे दिया गया है। ये देखिए 100% टीपीआर का यूज करके बनाया गया है, जिसमें आपको ग्रिपिंग बहुत ही अच्छी प्रोवाइड की जाएगी। इसका इंसोल भी काफी सॉफ्ट है, इंसोल के मामले में तो लगभग जितने थे सभी अच्छे थे। अपर मटेरियल सिंथेटिक जैसे बनाया जाता है वही है, लेकिन इसका थोड़ा सा सॉफ्ट दिया गया है, थोड़ा सा इसकी जो मोटाई है वो कुछ ज्यादा दिया गया है। अगर इसकी ब्रांडिंग की बात किया जाए तो यहाँ पे ब्रांडिंग लगाया गया है, सारे वेलक्रो यानी तीन वेलक्रो इसमें दिया गया है, सभी वेलक्रो के अंदर एक्स लिखा है जो कि लोगो होता है स्पार्क्स का, और कहाँ पे है यहाँ पे भी है, साइड में भी दिया गया है, और इसके सोल पे भी स्पार्क्स का लोगो प्रिंटेड है। अब चलिए अब हम लोग इसका वेट करते हैं, वेट करके देखते हैं इसका वेट जितना चल रहा है 300 ग्राम के अंदर उतना ही है या उससे ज्यादा है। 283 ग्राम, थोड़ा सा ये कह सकते हैं आपकी लाइट वेटेड से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन 300 ग्राम उतना भी ज्यादा नहीं होता। अब हम लोग बढ़ते हैं नंबर एक के आर्टिकल पे। नंबर एक पर है SS 606 ब्लैक रेड कलर का है, 999 इसकी MRP है। डिस्काउंट के बाद 850 में आपको आसानी से मिल जाएगा। लुक देखिए, और सिर्फ ये क्वालिटी की वजह से नहीं, सिर्फ ये लुक की वजह से ही नंबर एक पर है, क्योंकि जितने भी आर्टिकल थे वो थोड़ा, जैसे ये देखिए नंबर पाँच पे जो था सिंपल कलर था, क्वालिटी सेम थी, इसकी भी थोड़ा नेवी कलर का है, सिंपल है, ये थोड़ा डिफरेंट लुक दिया था, लेकिन इसकी क्वालिटी जो थी सोल की वो 19 थी, इसके वजह से वो नंबर तीन पे है। और ये देखिए ये नंबर दो पे था, क्वालिटी भी अच्छी थी लेकिन ऑलिव कलर का था। मुझे पर्सनली ऑलिव कलर या जूतों पे ना उस पर ज़्यादा पसंद नहीं आता, सबसे ज़्यादा पसंद आता है ये ब्लैक। ब्लैक की एक अलग ही शान होती है, वो चाहे ब्लैक कलर हो चाहे वो वाइट कलर हो। क्वालिटी लगभग लगभग सब सेम है, सोल में ये देखिए फुल टीपीआर पे है, बस थोड़ा सा कलर डिजाइन थोड़ा अलग दिया गया है। अपर भी सिंथेटिक है, तो कई जगह आप देखेंगे अमेजोन वगैरह पे कि वहां पे लिखा है सिंथेटिक लेदर, लेकिन ये लेदर नहीं होता। इसमें दो वेलक्रो का यूज किया गया है, साथ में जहां से ये टाइट होता है जहां से मुड़ता है उसमें प्लास्टिक का यूज किया गया है। इस साल जो भी मैं ये जूते का कर रहा हूँ, इसमें कहीं पे भी स्टेनलेस स्टील का मुझे यहाँ पे वो पार्ट नहीं दिखा। पिछले के जूते जो भी सैंडल्स होते थे उसमें स्टेनलेस स्टील यूज किया जाता था, लेकिन अब सारा प्लास्टिक ही यूज किया जा रहा है। इंसोल भी काफी सॉफ्ट है। इसका वेट करके देख लेते हैं, वेट कितना आ रहा है, वेट 240 ग्राम, सबसे लाइट वेटेड ये आपका सैंडल है। इसमें ब्रांडिंग की बात किया जाए तो ये अपर में ब्रांडिंग दिया गया है, और ये साइड में एक्स लिखा गया है, साथ में ये ब्रांडिंग है, और लोगो आपका ये देखिए सोल में भी लोगो बनाया। स्पार्क्स के सैंडल्स थे जो कि आपके बारिश के रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।